नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्ज्वल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। बात करना स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। पहले टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, फिर हमने कास्टिंग की बात की थी। कास्टिंग में डिफरेंट स्टेप्स के बारे में जानने की कोशिश की थी हमने, जानने की कोशिश की थी अलाउंसेस क्या होते हैं, बात की थी श्रिंकेज अलाउंस की। आज पहली एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन है जो कि ये कह रहा है कि एक वर्क पीस है जिसके डायमेंशन है 200 × 100 × 10 mm³। मटेरियल ग्रे कास्ट आयरन की है और आपसे कह रहा है कि अलॉयंस श्रिंकेज अलॉयंस प्रोवाइडेड इज 1%। आपसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ पैटर्न। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो कास्टिंग करने की कोशिश आप कर रहे हैं वो कास्टिंग है सैंड कास्टिंग। अगर लास्ट लेक्चर से थोड़ा ध्यान हुआ आपको तो हमने बात की थी ग्रे कास्ट आयरन की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी हमने, और हमने ये देखा था कि अल्फा की वैल्यू फॉर ग्रे कास्ट आयरन इज लेस देन 0। मतलब हमने ये समझा था कि आप इसके लिए जो पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न विल बी अंडर साइज्ड पैटर्न। मतलब जो पैटर्न आप बनाएंगे उसकी डायमेंशन एक्चुअल प्रोडक्ट के डायमेंशन से छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन साइज विल इंक्रीज। तो बात करेंगे 1% श्रिंकेज अलाउंस की और देखेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न विल बी डायमेंशन जो आप 1% इसकी श्रिंकेज कंसिडर कर रहे हैं वो लेंथ वाइज है। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं रहेगा बट आपको समझने की जरूरत है। कि पैटर्न की जो श्रिंकेज अलाउंस आपको दे रखी है 1% वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ है। मतलब अगर लेंथ के बेसिस पे बात करें और यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न कैन बी कैलकुलेटेड 1% की डिडक्शन लेंगे आप, ठीक है। ये क्या होगी, एक डायमेंशन होगी आपकी 198 × इसकी डायमेंशन होगी 1% डिक्रीज मतलब 99, और तीसरी डायमेंशन होगी आपकी 9.9। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ये रेशियो अगर आप बताएं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 97%, दैट इज 97% is the ratio of your pattern from the final product। आइए अब अपने different next allowance की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग draft allowance की। draft allowance की मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, वर्टिकल हाइट h है, और
आप इसकी बना रहे हैं पैटर्न, तो मोल्डिंग बॉक्स में जब आप इसे प्लेस करेंगे, मोल्डिंग बॉक्स में जब आप इसे प्लेस करेंगे और इस पैटर्न को मोल्डिंग बॉक्स में डाल के अपने सैंड मिक्सर को प्लेस करने के बाद आप इसकी रनिंग करेंगे, तो यहाँ एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, एक स्टिकीनेस डेवलप होगी, एक बिटवीन द वर्टिकल वॉल्स एंड द सैंड मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप डायरेक्टली से इजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो द इजेक्शन ऑफ दिस पैटर्न विल बी डिफिकल्ट। टू ईज दिस इजेक्शन, टू ईज दिस इजेक्शन एंड फॉर इजी रिमूवल वर्टिकल अलायंसेस, वर्टिकल अलायंस इज प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल पार्ट ऑफ पैटर्न्स। द वैल्यू ऑफ दिस थीटा वैरीजेस फ्रॉम हाफ टू टू डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। हाइट जितनी ज्यादा होगी ड्राफ्ट एंगल उतनी ज्यादा होगी, और अगर इसे एच कहें और इसे एक्स कहें आप, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टैन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाई एच। मीन्स द ड्राफ्ट अलाउंसेस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच टैन थीटा ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रिलेशन। अगर अब एक दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ सर्फेसेस के लिए ड्राफ्ट अलाउंसेस को प्रोवाइड किया जाता है। तो हाँ, ड्राफ्ट अलाउंस इज प्रोवाइडेड both internal and external vertical, internal and external vertical surfaces, internal and external vertical surface। अगर बात करें मैग्नीट्यूड की तो इंटरनल सरफेस की जो वैल्यू होगी आपकी ड्राफ्ट अलाउंस की, इंटरनल सरफेस की जो वैल्यू होगी ड्राफ्ट अलाउंस की वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सरफेस। ड्राफ्ट अलाउंस फॉर इंटरनल सरफेस इज मोर इन कंपैरिजन विथ एक्सटर्नल सर्फेसेस। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए।
अब थर्ड अलाउंसेस जो है वह है आपकी मशीनिंग अलाउंस। आइए बात करते हैं मशीनिंग अलाउंस की। मशीनिंग अलाउंस देखिए, मशीनिंग अलाउंस की जरूरत इसलिए है क्योंकि सैंड कास्टिंग में जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो प्रोडक्ट कास्ट हो रहा है उनके ऊपर एक पुअर सरफेस फिनिश आ जाती है। मतलब अगर आप ये आपका प्रोडक्ट है जिसकी कास्टिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो सैंड कास्टिंग के बाद इस प्रोडक्ट के सरफेस पे एक रफ टेक्सचर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस एंड कॉन्टैक्ट ऑफ सैंड इन सैंड पार्ट कास्टिंग प्रोसेस पुअर सरफेस फिनिश ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ सैंड पार्टिकल में कॉन्टैक्ट के आने की वजह से जो सरफेस फिनिश है उसकी वैल्यू काफी पुअर हो जाती है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी सरफेस फिनिश की वैल्यू पुअर है उसे आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी एस्थेटिक वैल्यू वीक हो जाती है और डिमांड और कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, डिमांड और कॉस्ट इसकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर बात करें सरफेस फिनिश के वैल्यू की तो आरए वो यूनिट है जिसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू मेजर की जाती है। आरए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15 माइक्रोमीटर इसकी वैल्यू ऑप्टेन की जाती है आफ्टर सैंड कास्टिंग। ये एग्जैक्टली और प्रिसाइसली ये वैल्यू क्या होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स बीइंग यूज्ड सैंड पार्टिकल बीइंग यूज्ड अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि मशीनिंग की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी एक लेयर रिमूव करनी पड़ेगी और इस लेयर के रिमूवल को कॉम्पेंसेट करने के लिए आप मशीनिंग अलाउंस को ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट के शेप एंड साइज में। मतलब टू कॉम्पेंसेट द मशीनिंग डायमेंशन मशीनिंग अलाउंस इज एडेड टू द पैटर्न डायमेंशन। उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्टॉर्शन अलाउंस की और बात करेंगे शेक अलाउंस की। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर चीजें समझ आ रही हो आपको पसंद आ रहा हो लेक्चर तो कहेंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।